हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल जो यूपी बोर्ड की 9वीं क्लास में पढ़ी जाने वाली कविता है उसका सेंट्रल पॉइंट जो भावार्थ है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं इस कविता में क्या होता है कि पहाड़ और गिलहरी के बीच में लड़ाई सी छिड़ जाती है और पहाड़ जो है गिलहरी को कहता है तो बहुत छोटी है और इसलिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है और तुझे जलन होती है क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ। और इसके उत्तर में गिलहरी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बड़ा है या छोटा है क्योंकि हम सभी के लिए इस संसार में अपनी अपनी तरह की जगह है और हम सब में अपनी अपनी तरह की योग्यताएं हैं। तो सेंटर पॉइंट इसका यही है कि इट डज नॉट मैटर व्हाट साइज वी आर व्हेन इट कम्स टू अवर प्लेस इन द वर्ल्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस संसार में हमारा साइज क्या है। द माउंटेन मे बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग बट इट लैक्स द एजिलिटी ऑफ ए स्क्वायरल। पहाड़ शायद बहुत बड़ा हो, बहुत बलवान भी हो, लेकिन ये गिलहरी की तरह चंचल नहीं हो सकता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। चंचलता कहते हैं एजिलिटी को। और उसी तरह लाइकवाइज अ स्क्वायरल इज स्प्राई बट इट कैन नॉट कैरी ए फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक। एक जो गिलहरी है वो चंचल हो, उसमें फुर्ती भरी हुई हो, लेकिन अपनी पीठ पे जंगल को नहीं उठा सकती। We all have been created with a specific purpose and value. हम जितने भी प्राणी हैं इस संसार में उन सभी के लिए खास तरीके के लक्ष्य दिए हुए हैं, purpose, और उन सभी की अपनी अपनी योग्यताएं हैं। A moment in time may be very small, but a year cannot be made if these moments are not together. एक जो पल होता है समय में वो शायद बहुत छोटा हो, शायद इतना महत्वपूर्ण भी ना हो क्योंकि वो आता और चला जाता है चुटकियों में, लेकिन अगर ये पल ना हो तो फिर घंटे नहीं बनते और घंटे ना बने तो फिर दिन नहीं बनता और दिन ना बने तो साल और साल ना बने तो शताब्दियां नहीं बनती। तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट हो गया कि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, हर चीज़ में अपना एक गुण होता है जो कि इसे दूसरे से अलग और महत्वपूर्ण बनाता है। तो चलिए आप इसके जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उस पे एक नज़र डालते हैं। हु हैड ए क्वारल, किसके बीच में लड़ाई हुई थी। The mountain and the squirrel had a quarrel. जो पहाड़ था और जो गिलहरी थी उनके बीच में एक झगड़ा हुआ था। Why the mountain calls the squirrel little prig? जो पहाड़ है वो गिलहरी को छोटी ईर्ष्यालु क्यों कहता है। Prig का मतलब हो गया वो ऐसी चीज जो दूसरों को देख के जलती हो। The mountain thinks because it is only a little thing. क्योंकि पहाड़ को लगता है कि ये जो गिलहरी है बहुत छोटी चीज है। द स्क्वायरल इज जेलस ऑफ द माउंटेन, और इसलिए वो पहाड़ से जलती है। व्हाई द माउंटेन इज प्राउड, माउंटेन को घमंड क्यों है। द माउंटेन इज प्राउड बिकॉज इट इज वेरी बिग, पहाड़ को घमंड है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। व्हाट डज द स्क्वायरल से दैट इट इज एज इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल एज द माउंटेन। तो गिलहरी किस तरह से तुलना करती है कि ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उतनी ही इसकी भी वैल्यू है जितनी की पहाड़ की। द स्क्वायरल रिप्लाइज दैट द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एवरी बिग एंड स्मॉल थिंग्स टुगेदर। गिलहरी जवाब देती है कि जो संसार है वो छोटी बड़ी चीजों से मिलके बना है, एंड सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस एंड इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड। और इसलिए हर चीज की एक अपनी खास जगह है और एक अपना महत्व है इस संसार में। वाई इज द स्क्वायरल नॉट एम्बैरेस्ड ऑफ इट्स साइज। एम्बैरेस्ड कहते हैं लज्जित होना, शर्माना। जो गिलहरी है उसे अपने छोटे साइज पे शर्म क्यों नहीं आती। बिकॉज इट हैज इट्स ऑन प्लेस एंड वैल्यू इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसकी खुद अपनी जगह है और एक अपनी योग्यता है इस संसार में। व्हाट क्वालिटीज द स्क्वायरल हैज दैट द माउंटेन डज नॉट। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, क्वालिटीज, जो गिलहरी के पास है और माउंटेन के पास नहीं है। द माउंटेन इज इमूवेबल, जो पहाड़ है वो अचल है, वो स्थिर है, वो चल फिर नहीं सकता। वाइल द स्क्वायरल इज स्प्राई एंड एक्टिव, और जो गिलहरी है वो फुर्ती से भरी हुई है और सजीव है, एक्टिव। व्हाट इज मेंट बाय टैलेंट्स डिफर, जो योग्यताएं हैं टैलेंट्स डिफर, ये सब में अलग अलग होती हैं, इससे क्या मतलब है। टैलेंट्स डिफर मीन्स दैट थिंग्स एंड पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड हैव डिफरेंट क्वालिटीज। इसका मतलब यही है कि जो चीजें हैं, जो लोग हैं, अगर वो अलग अलग तरीके के होते हैं तो उनमें जो उनकी योग्यताएं होती हैं वो भी अलग अलग तरीके की होती हैं। व्हाट आर द डिस्टिंक्ट क्वालिटीज दैट द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पजेस। डिस्टिंक्ट कहते हैं खास, तो ऐसी कौन सी खास
क्वालिटीज हैं जो कि पहाड़ और गिलहरी में है. अ माउंटेन इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग बट इट कैनॉट क्रैक ए नट. अब ये खास क्वालिटीज जो हैं वो इस तरह से हैं कि एक जो पहाड़ है वो बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एक अखरोट नहीं तोड़ सकता. अ स्क्वायरल इन कंपैरिजन हैज एजिलिटी बट इट कैनॉट कैरी ए फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक. और एक गिलहरी जब आप इसे तुलना करते हैं पहाड़ से कंपैरिजन, तो इसमें फुर्ती भरी हुई है, एजिलिटी, लेकिन ये पहाड़ को अपने पीठ पे नहीं उठा सकती. हाउ डज द स्क्वायरल डिफेंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द वर्ल्ड. जो गिलहरी है अपने आप को, अपनी जो सिग्निफिकेंस है इसकी संसार में, इसकी जो जगह है संसार में, उसका बचाव कैसे करती है. इट स्टेट्स दैट इट टेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स टू मेक अप ऑफ द वर्ल्ड एंड देयरफॉर एवरी लिटिल थिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज ए बिग थिंग. ये कहती है कि हर छोटी बड़ी चीज को मिला के संसार बना है और इसलिए हर छोटी चीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की एक बड़ी चीज. What is the moral message of the poem? इसका जो नैतिक संदेश है वो क्या है? It does not matter if you are small or big. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप छोटे हो या बड़े हो. As everything is equally significant and important. क्योंकि हर चीज समान रूप से अर्थपूर्ण, significant और important है. तो दोस्तों ये था इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और सेंट्रल पॉइंट जो भावार्थ है. होपफुली आपको पसंद आया हो. अपने कमेंट्स हमें जरूर दें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय.